हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर थर्ड जो चैप्टर थर्ड का नाम है क्या है? डेसिमल्स। चैप्टर का जो नाम है वो है डेसिमल्स। उसकी जो एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 को हम डिस्कस करेंगे। तो 3.2 में हम हमको करना क्या है? 3.2 जो है वो सारी जो क्वेश्चंस है वो मल्टीप्लिकेशन पे हैं। डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट, जो जो भी क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट वहां क्या दिया, अगर दो नंबर दिए हैं दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, वहां आपको करना क्या है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको डेसिमल्स के नंबर दिए हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करके आप कैसे आंसर फाइंड करेंगे, ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो इसमें तो तीन टाइप के हैं मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। एक कि एक होल नंबर को एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कि एक जो हमारा डेसिमल रहेगा नंबर उसको किसी होल से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है किसी एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जो तीसरा है कि एक अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 और अदर पावर ऑफ 10, अगर कोई एक नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर तो उसको 10 या 100 या 1000, 10,000, जो 10 के पावर्स में नंबर आते हैं उनसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए, पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है डेसिमल्स, और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन। तो आइए अभी पहला एग्जाम्पल लेते हैं। वो लेते हैं जब एक होल नंबर लेंगे और एक डेसिमल नंबर लेंगे। सपोज दैट क्या करना है, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 7.238 बाई 6। एक नंबर है डेसिमल नंबर है 7.238, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये हो गया है हमारा डेसिमल नंबर और ये हो गया होल नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस नंबर में डेसिमल है ही नहीं। अगर इस नंबर में डेसिमल नहीं होता तो ये नंबर क्या होता, 7238। और जब इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो जैसे अब तक आप मल्टीप्लीकेशन करते आए हैं, जैसे अब तक जो जो भी छोटे क्लास से जैसे भी आप मल्टीप्लीकेशन करते आए हैं, उसी सेम वे, उसी ढंग से आपको ये मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। 6 8 जा 48, 8 हो जाएगा और यहाँ कैरी हो जाएगा। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 2 यहाँ 2 कैरी हो जाएगा। फिर 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 1 कैरी हो गया। 6 7 जा 42 और +1 43। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आया है इसका, 4 3 4 2 8, ये आया है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमारे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, ये जो हमारा डेसिमल वाला नंबर है इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट था। जब हम काउंटिंग करते हैं तो उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा था नंबर, ये जो हमारा नंबर था 7.238, इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पहले ही हो गए डिजिट 8, दूसरी 3, तीसरी 2, तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के आगे पॉइंट यहाँ पे है। कितने के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के आगे ये पॉइंट है हमारा। तो जो आंसर आएगा उसमें भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन में 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट था, उसी तरह आंसर जब हम इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें 1 2 3, 3 काउंट करके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, बात समझ समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अगर हमारा एक डेसिमल नंबर है 7.238, ये जो डेसिमल्स के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको हम सिंगल सिंगल रीड करते हैं। ठीक है, ये रूल होता है कि जो डेसिमल्स के बाद वाले नंबर होते हैं उनको हम सिंगल सिंगल रीड करते हैं। ठीक, तो 7.238 को मल्टीप्लाई करना है 6, और 6 क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, डेसिमल नंबर से। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 7238, ये नंबर हो गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जैसे छोटे क्लास में करते आए वैसे मल्टीप्लीकेशन इसका कर लिए। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर ये आया है। ठीक, अब क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट था, राइट हैंड साइड से हम काउंट कर लिए 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, आंसर में भी हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। पहली चीज आ गई सबको। ठीक, अब जो सेकेंड टाइप है, ये तो था कि एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने। अब एक दूसरा देख लेते हैं, एक डेसिमल नंबर को उसी डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। मान लो मल्टीप्लाई करना है 5.28 को मल्टीप्लाई बाई 0.14। 5.28 एक होल नंबर है, सॉरी एक डेसिमल नंबर है, इसको 0.14 एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों हमारे क्या है, डेसिमल नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहां भी क्या है, डेसिमल है ही नहीं, इस नंबर में डेसिमल है ही नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 528 नंबर लिख दिए। और यहाँ 14 था, 14 था, इसमें भी मान लेंगे कि यहाँ भी डेसिमल है ही नहीं, ये हो जाएगा तो 0 आगे रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 14। तो अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से भी डेसिमल हटा दिए, यहाँ से भी डेसिमल हटा दिए, और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21। ठीक, क्रॉस लगाएं, 1 8 जा 8, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 9 3 7, ये नंबर आया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर आया, 7 3 9 2। ठीक, ये आया। अब हम देख लेते हैं, देखो पॉइंट कहाँ लगेगा क्वेश्चन में, इस डेसिमल पार्ट में 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहां भी था। ठीक, राइट हैंड आउट राइट हैंड साइड से काउंट किए, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी है। ठीक, इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों को काउंट कर लिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, 7 के आगे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.7392, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहां भी था और 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहां भी था, तो आंसर में 2 यहां का 2 यहां का 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब देखते हैं तीसरे टाइप का मल्टीप्लीकेशन। जो थर्ड टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है उसको देखते हैं। जब एक डेसिमल नंबर को 10 या 10 के मल्टीपल से या 10 की पावर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहां देखो 5.12 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो 10 में 1 0 है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किए और 10 में 1 0 होता है,
तो ये जो हमारा पॉइंट है ना वो एक डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ चला जाता है। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 में एक जीरो होता है तो हमारा जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ चल जाता है। तो पॉइंट पहले 5 के बाद था, अब क्या हो जाएगा, वो 1 के बाद हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, बस पॉइंट एक डिजिट के बाद चला जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता, 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, या तो 512 भी लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट जीरो हटा दें, या तो ये पॉइंट जीरो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो दो दो डिजिट ऐसे ही, अगर एक नंबर है 7.3265, ये है, अगर इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 में 3 जीरो है, तो ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहां चला जाएगा। तो जाएगा 7326.5, 3 जीरो था तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो आसान है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आसान था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर 3 डेसिमल नंबर रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 अगर डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, y16 है, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मान लेंगे, यहाँ क्या है 16 है, यहाँ 3 है, पॉइंट पहले हटा देंगे दोनों का, इन दोनों का, तो 16 3 सा क्या होता है 48 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 48, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ एक डिजिट के बाद, तो 2 और यहाँ 1, तो 2+1 2+1 हो जाएगा 3, तो आंसर में 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ 2 ही डिजिट है, आगे एक लगा देंगे जीरो, उसके आगे एक पॉइंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिलेगा, पॉइंट 3 डिजिट के बाद होगा क्योंकि 2 यहाँ का 1 यहाँ, तो 2+1 3 हो जाएगा, आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। फिर ये अभी बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर ये 48 है, 48 मान लेंगे, और यहाँ क्या मान लेंगे, उसको 2 मान लेंगे, तो 48 2 96 होता है, तो आंसर में हम तो 96 तो लिखे, लेकिन यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 डिजिट के बाद, तो आंसर में हमारे 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 2 ही डिजिट है, इसके 2 आगे 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो जाएगा 0.0096, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग, इसी तरह आप लोग 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।